खबर नालंदा से है, जहां रहुई थाना क्षेत्र इलाके के काजीचक मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार युवक ने बाजार जा रही महिला को टक्कर मार दी, जिसे महिला रिंकू देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पुत्र गोलू कुमार जख्मी हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूची अविलंब रहुई थाना पुलिस को दी गई, जिसके रहुई थाना पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ के चंगुल में फंसे मोटरसाइकिल सवार युवक को बचाकर बाहर निकल गए। अन्यथा आज मॉब लिंचिंग की घटना घटने से इनकार नहीं कह सकता था। पुलिस की पहल पड़ी, युवक मॉब लिंचिंग होने से बचा। वहीं महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सर मेरा बेटा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। आपको बता दें कि मौके की नजाकत को देखते हुए बिंद भागन बिघर रहुई वेना थाना व सीईओ रहुई के हवनपुरा पंचायत मुखिया सीताराम प्रसाद मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाए, तब जाकर जाम को हटाया गया। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दी है और मोटरसाइकिल सवार युवक को अपने साथ थाने ले गए। ये है देख, मोटरसाइकिल से डायरेक्ट मार दिया। अच्छा, कौन गांव है, की होले? रामपुर का मरने वाला। अच्छा, कैसे की होले? उधर से आया मोटरसाइकिल, डायरेक्ट है देख, स्पीड में गाड़ी था, डायरेक्ट मार दिया। तो मेरा की मौत हो गई। मार के 15 फीट आगे चल के उड़का है। तो पकड़ा गया क्या? पकड़ा हुआ है। नहीं नहीं, जो मारा था ठोकर वो पकड़ा गया है। हाँ, वो भी पकड़ा गया। गाड़ी आदमी दोनों पकड़ा गया।